ਰਾਜ ਪੈਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਲਿਫਟ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅਫਸਰ ਸਿੰਘ ਜੀ कविंदर भाजी पिछे चटा मुड़े धंदे मैं भैया साढ़े चट का हमारे राजा साहब गुप्ता जो भोपाल में टिके हैं वो इधर इधर राकेश चौधरी साहब जो अरे नहीं यार जोनल टेक्निकल ऑफिसर हैं हमारे मुशर्रफ जी शर्मा साहब हैं मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी ऊपर आए और एक बड़े जाने माने नेता हैं आज उनकी इस जॉइनिंग के कार्यक्रम में हमारे बीच यहाँ उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी और जम्मू कश्मीर के प्रभारी श्रीमान तरुण चुग साहब हमारे बीच हमारे वरिष्ठ नेता जम्मू कश्मीर सरकार में पूर्व उप मुख्यमंत्री श्रीमान केवेंद्र गुप्ता जी हमारे जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के दोनों महामंत्री श्रीमान विनोद गुप्ता साहब और पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर देवेंद्र मनियाल जी अभी कुछ दिन पहले जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा और हमारी शान बढ़ा रहे श्रीमान देवेंद्र सिंह राणा साहब यहाँ भारतीय जनता पार्टी के नौशहरा जिला के प्रभारी और हमारे वरिष्ठ नेता श्रीमान दिनेश शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी नौशहरा जिला के ये हमारा ऑर्गेनाइजेशनल इंटरनल अरेंजमेंट है डिस्ट्रिक्ट का जिसको हम नौशहरा जिला कहते हैं उसके जिलाध्यक्ष कैप्टन बालकिशन साहब और नौशहरा म्युनिसिपल कमेटी के चेयरमैन श्री नरेंद्र जी श्रीमान छोटू राम चौधरी साहब जब उस एरिया में कोई झंडा लगाने वाला नहीं होता था तो जिसने बड़ी शान से बीजेपी का झंडा वहां लगाया श्रीमान छोटू राम चौधरी साहब और आज की इस बैठक में आए हुए तमाम साथियों भारतीय जनता पार्टी के यहाँ ऑनरेबल एक्स एमएलए रणबीर सिंह पठानिया साहब हैं और जितने भी कार्यकर्ता यहाँ हैं मैं दिल की गहराइयों से श्रीमान सुरेंद्र चौधरी साहब का भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करता हूँ मैं इनका वेलकम यहाँ बैठे मेरे बुजुर्गों नौजवान वीरों और दोस्तों मेरे पास आज लफज नहीं कि मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करूं सबसे पहले मैं तरुण चुग साहब का शुक्रिया अदा करूंगा स्पेशल आज मेरे लिए यहां आए बड़ा बिजी शेड्यूल था इनका इन्होंने वादा किया था कि मैं पहुंचूंगा और आप सब का भी जो सुबह 5 बजे नौशहरा से निकले हो और उस बॉर्डर के दूर दराज के इलाकों से सड़कों के किनारे में रहने वाले आप नहीं हो चंद लोग हैं जो बाजार के हैं और सड़कों के किनारे हैं बाकी आप बड़े दूर दराज उस पार पाकिस्तान के बॉर्डर से यहाँ पे पहुँचे हो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया चुग साहब ये चंद लोग हैं जो मेरे साथ यहाँ पहुँचे हैं जिनको मैंने सिर्फ फ़ोन पे बुलाया और परसों इनको फ़ोन किए थे आज मेरे साथ खाली ये लोग नहीं बल्कि नौशहरा की उस धरती के ऊपर उन पहाड़ों उन मोड़ों उन टोकों पर दूर दराज में लोग जो रहने वाले हैं वो आज जो मेरे हमेशा मेरे साथ साथी चले हैं आज वो भी उन पहाड़ों से आपके साथ भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं
इसके बाद हम एक निशारा में एक जलसा करेंगे, आपको खुद पता लगेगा कि निशारा के लोग क्या चाहते हैं। और आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने निशारा और सुंदरवाणी की दो कंस्टिट्यूएंसियां बनाई हैं, क्योंकि निशारा और सुंदरवाणी के लोगों की हमेशा एक डिमांड रही थी कि निशारा को अलग से कंस्टिट्यूएंसी दी जाए और सुंदरवाणी को अलग से कंस्टिट्यूएंसी दी जाए। वो आज आपने हमारा ख्वाब पूरा किया है। निशारा और सुंदरवाणी के लोग आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, चुप साहब, और पार्टी का शुक्रिया अदा करते हैं। मेरे साथियों, आज जब मैं आपके सामने खड़ा हूं, आपको पता है कि मेरे पास जब 2014 में, चुप साहब आपको थोड़ा सा मैं लंबा नहीं करूंगा, छोटा ही रखूंगा, 2014 में रविंदर रैना साहब मेरे पास आए थे, इन्होंने कहा कि आपको भारतीय जनता पार्टी की टिकट देते हैं तो आप इस पर इलेक्शन लड़ो। उस समय सर मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब, जो आज दुनिया छोड़ के चले गए, भगवान उनको स्वर्गों में वास दे, वो मुझे मैंडेट दे चुके थे। मेरे हाथ में वो कागज था मैंडेट का। मैंने रैना साहब को कहा, रैना साहब अगर आप इस मैंडेट से पहले मेरे पास आते तो मैं आपके साथ चल पड़ता। अब मैं मैंडेट ले चुका हूँ। सुरेंद्र चौधरी अपने आप को धोखेबाज कभी निकलवाएगा। मैं अगर उनका मैंडेट ले चुका हूँ तो अब उनसे कभी धोखा नहीं करूँगा। और चुप साहब, ये मेरे मीडिया के साथी भी जानते हैं और जम्मू कश्मीर रियासत के देवेंद्र रैना साहब भी जानते हैं, पीडीपी से धोखा मैंने नहीं किया, पीडीपी ने मेरे साथ धोखा किया था। अगर आज मैं पीडीपी छोड़ के आया हूं, मेरे साथियों, मैं खासकर मीडिया के लोगों से कहना चाहूंगा, जब आप बोलते हैं, अगर आप ये उम्मीद करते हैं कि आपको इज्जत दी जाए, तो कम से कम जब आप लीडरों के खिलाफ बोलते हैं तो उन लीडरों की इज्जत का भी, उन शब्दों का ऐसा चयन करें कि लीडर को कहीं दिल में ना वो बात चुभे। हम किसी फायदे के लिए आज भारतीय जनता पार्टी में नहीं आए। मैं किसी मकसद के लिए भारतीय जनता पार्टी में नहीं आया। मैं अपने जाति मुफाद के लिए भारतीय जनता पार्टी में नहीं आया। ना डर के आया हूं, ना दबाव में आया हूं। मैं चुप साहब के और भारतीय जनता पार्टी के प्यार के कारण आज भारतीय जनता पार्टी में आया हूं। मेरे साथियों, हम वहां रहे तो ईमानदारी से रहे। और वादा रहा चुप साहब, क्योंकि उम्र अब कितनी, आज तक जिंदगी कोई लंबी नहीं है, अब बाकी की जिंदगी जितनी भी है, वादा रहा, प्यार आप देना, इज्जत आप देना, ये लोग आपको कभी छोड़ के नहीं जाएंगे, ना सुरेंद्र चौधरी आपको छोड़ के जाएगा। दिल्ली में सरकार भारतीय जनता पार्टी में है, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार भारतीय जनता पार्टी की नहीं, यहां गवर्नर रूल है। इस बात को याद रखिए, आप इसको अपने साथ मत जोड़िए कि जम्मू कश्मीर में हमारी सरकार है। यहां हमने सरकार से काम लेना है। हमारा काम जो है, जो दिल्ली का, वो दिल्ली वालों ने करना है, लेकिन यहां का काम हमने यहां की सरकार से लेना है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। इसलिए मेरे साथियों, मैं आपका सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप सब ने कीमती वक्त निकाला और आप यहां पे आए। और आज मैं चुप साहब आपके नोटिस में ये भी लाना चाहूंगा कि हमारे जो बड़े दूर दराज की 3-4 पंचायतें हैं, जो मुसलमानों की पंचायतें हैं, वो सरपंच हमारे हैं, उन्होंने आना था, लेकिन मीना रमजान शुरू हुआ है, क्योंकि अब दूसरा तीसरा रोजा उनका है, तो लिहाजा वो खाली पेट रहते हैं तो नहीं आ सके। लेकिन जब नुशारा में आप प्रोग्राम करेंगे, भारी तादाद में जो गुजर बकरवाल हमारे साथी लोग हैं, पैन सरपंच या वहाँ के लोग हैं, वो भी आपको, लेकिन चंद लोग यहाँ आए हैं हमारे, कुछ भी गुजर बकरवाल लोग आए हैं, मुस्लिम कम्युनिटी के लोग आए, मैं इनका भी शुक्रिया अदा करूंगा, क्योंकि ये रोजों में आए। और आप सबको नवरात्रों की मुबारक, महीना रमजान की बहुत बहुत बधाइयाँ और मुबारकें। दुआ करेंगे इस महीने के अंदर कि माता कृपा करे, जम्मू कश्मीर रियासत में अमन आए और यहाँ पे लोगों को खुशहाली मिले और जिस चीज़ की तवक्को आप करते हैं उसकी मिले। मैं एक दो नारे लगाऊंगा, आपकी आवाज़ देखते हैं कि आपके जज्बात कितने हैं और आपकी आवाज़ में बुलंदी है, ताकि चुप साहब भी देख के जाएं कि वाकया निशारा के लोगों, इन बॉर्डर के लोगों में जज्बात भी हैं या खाली यहाँ के बैठ गए या फॉर्मेलिटी करने आए हो सुरेंद्र चौधरी के पीछे। ये आपकी आवाज़ से साबित होगा। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, तरुण चुग साहब, तरुण चुग साहब, तरुण चुग साहब, रविंदर रैना, रविंदर रैना, हम और आप, हम और आप, हम और आप। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। नामवर शख्सियत हैं, मेरे मित्र हैं, और इनका एक बहुत ही लंबा सियासी तजुर्बा है, और मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ी एक खुशहैन बात है
कि मेरे भाई सुरेंद्र चौधरी आज भाजपा में शामिल हो रहे हैं, इससे भाजपा और मजबूत होगी और भाजपा आगे बढ़ती जाएगी जम्मू कश्मीर के आवाम की बेहतरी के लिए, जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए, जम्मू कश्मीर की बढ़ोतरी के लिए। मैं तो ये चाहता हूँ कि सभी लोग जो हैं उनको भाजपा के पास के छत्र छाया में आना चाहिए, ताकि हम सब इकट्ठे होकर जो माननीय नरेंद्र मोदी साहब, जो यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी साहब का जो सपना है भारत को एक मजबूत दुनिया की ताकत बनाना, उस ग्रोथ स्टोरी का हम जम्मू कश्मीर को हिस्सा बनाने में अपना रोल अदा करें और सब मिलकर जम्मू कश्मीर को मजबूत करें, भारत को मजबूत करें। मैं समझता हूँ ये बहुत खुशी की बात है कि आज मेरे भाई सुरेंद्र चौधरी भाजपा में शामिल हो रहे हैं। पीडीपी की नींवें ऑलरेडी कमजोर हो चुकी थी, इनका पिछले साल दामन छोड़ना और मजबूती आपको लगता बीजेपी तो मिली है, लेकिन पीडीपी कहीं अब नजर नहीं आ रही। देखिए, सुरेंद्र चौधरी एक लोगों के नेता हैं, लोगों के बीच रहते हैं, लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, जमीन के साथ जुड़े हुए हैं। ऐसे नेता जो हैं ये किसी भी पार्टी के लिए एक सुशोभित नेता बनेंगे और इनका आना जो है मैं समझता हूँ बड़ी खुशहाल बात है। मैंने पहले आपको पहले अर्ज की है आपको 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 एक मिनट सुनिए, आपको आपको क्या शक है? अगली जब भी इलेक्शन होगी आप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर में मजबूत भाजपा की अपने दम पे एक सरकार बनेगी, इसमें कोई शक नहीं। आपको शक हो तो हो, लेकिन आम लोगों को शक नहीं और हमें कोई शक नहीं।